सुना आपने, कह रहा है कि गला दबाकर मार दिया, वो भी एक दो या तीन महिलाओं को नहीं बल्कि छह महिलाओं को। ये हत्याएं अलग अलग दिन पर अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन इनमें कुछ कॉमन था, तो वो था हत्या करने का पैटर्न। जब ये संदिग्ध हत्याएं गुत्थी बनने लगी तो ये पता लगाने में कि आखिर ये सब हत्याएं कौन और क्यों कर रहा है, पुलिस के भी पसीने छूट गए। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इससे पहले हम इस खबर पर आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं खबर पर। ये खबर है बरेली जिले की शाही और शीशगढ़ इलाके की, जहां एक व्यक्ति एक के बाद एक हत्याएं करता गया और पुलिस को उसका सुराग भी नहीं लगने दिया। शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस केस की बात कर रहा हूं। जी, कुलदीप द साइको किलर, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की 22 टीमें जुटी, 1500 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए, बरेली जिले में 600 कैमरे लगवाए गए, 14 महीने में एक के बाद एक 11 महिलाओं की हत्या का खुलासा पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। एक सनकी पुलिस तंत्र को लगातार छकाता रहा और वारदात दर वारदात करता गया। उस पर पहुंचने के लिए पुलिस ने तकनीक का भी सहारा लिया, पर सफलता नहीं मिली। दरअसल वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल ही नहीं करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पकड़ा कैसे गया, और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये हत्या करता क्यों था। पहले बात करते हैं कि आखिर कुलदीप द साइको किलर है कौन। तो बता दें कि एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक आरोपी कुलदीप गंगवार नवाबगंज थाने के गांव बाकरगंज समुआ का रहने वाला है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसने अब तक 6 कत्ल कबूल किए हैं। पुलिस ने क्या बताया, आप एक बार ये सुन लीजिए। पूछताछ में बात प्रकाश में आई है, प्रयास इसने सब में किया है। प्रयास के बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है महिला विरोध करेगी, और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है, और उसी एग्रेसिवनेस में फिर ये घटना इसके द्वारा कारित की। पूछताछ में ये भी पता लगा कि वो महिलाओं से पहले दुष्कर्म की कोशिश करता था, जब महिलाएं इसका विरोध करती थीं तो उनकी हत्या कर देता था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सौतेली माँ के सितम और पत्नी के दूसरे व्यक्ति से शादी करने के बाद कुलदीप महिलाओं से नफरत करने लगा था, इसी वजह से वो इन वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक सीरियल किलर कुलदीप मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो एक शरीर में कई रूप लिए घूम रहा था। बचपन से ही उसके मन में महिलाओं को लेकर नफरत भर गई थी। पुलिस ने जो बताया, एक बार ये सुन लीजिए आप। पूछताछ में बात प्रकाश में आई है, प्रयास इसने सब में किया है। प्रयास के बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है महिला विरोध करेगी, और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है, और उसी एग्रेसिवनेस में फिर ये घटना है इसके द्वारा कारित की। जो घटनाएं हुई थी उस मामले में भी री इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि इसका और उसका बिल्कुल मॉडल ऑपरेंडी एक सा है। जी, जितनी घटनाएं जिसमें मॉडल ऑपरेंडी सेम है वो हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने काम किया है तो एक टीम गठित करके इन सारी घटनाओं का एक टीम से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और इसको PCR लेके उन घटनास्थलों पे भी ले जाएंगे कि अगर ये तस्दीक करता है कि उन घटनास्थलों पे ये था तो हम पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करके उन घटना के बारे में भी इससे जरूर जेल गए हैं, तो जो पूर्व में लोग जेल गए हैं उस मामले में अब लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा अगर ये। अब वो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको जैसा जैसा होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, लेकिन ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कराएंगे। ये पिछले साल जून 2023 की घटना है जिसमें जो मैंने आपको अभी डिटेल में दिखाया, वो घटना भी इसी तरीके से महिला की, इसके द्वारा लगभग 55 साल की महिला की हत्या की गई थी। 2 मिनट में आपको प्रयासों के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये घटनाएं पिछले एक साल दो महीने से लगभग घटनाएं हुई हैं। पिछले एक साल से पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत मेहनत से काम किया गया। सुनसान जगहों पर एक खास आयु वर्ग की महिलाओं से वो छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश करता था, विरोध पर उन्हीं के कपड़ों से उनकी हत्या कर निकल जाता था। SSP ने बताया कि कुलदीप अपनी रिश्तेदारी से करीब सुबह 8 बजे कुछ ना कुछ खाकर निकलता था और पगडंडी व खेतों में घूमता रहता था। इस बात की गारंटी नहीं होती थी कि वो लौटकर उसी रिश्तेदार के घर जाएगा जहां से वो आया था।
बताया कि हर महिला की हत्या के बाद वो उसकी कोई ना कोई पहचान रख लेता था। किसी महिला के कपड़े, किसी के सजने संवरने का सामान, तो किसी के पास मौजूद बैग या कुछ नहीं मिला तो आधार कार्ड ही रख लेता था। इसके बाद एसपी दक्षिणी गानुष पारीक और एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने आरोपी कुलदीप से जब पूछताछ की और उसके बारे में दूसरी जगह से भी जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके पिता के पास अपना मकान है और 40 बीघा जमीन है। उसकी दो बहनें हैं। उसकी माँ की मौत हो चुकी है। पिता बाबूराम ने उसकी माँ के जीवित रहते ही दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के कहने पर उसके पिता अक्सर पहली पत्नी यानी कुलदीप की माँ की पिटाई करते थे। उसकी दूसरी माँ की उम्र 50 साल के करीब है, इसलिए वो 45 से 65 साल की उम्र की महिलाओं में अपनी सौतेली माँ का अक्स देखता है, उनसे नफरत करता है। यह अलग बात है कि वो सौतेली माँ से काफ़ी खौफ खाता है और कभी उन पर हमला नहीं कर सका। बता दें कि कुलदीप की शादी साल 2014 में भानपुर गांव की रहने वाली लोंगश्री से हुई थी। पुलिस ने उसकी पत्नी से भी बात की, वो उसे साल 2018 में छोड़कर चली गई। पत्नी के मुताबिक ये सामान्य व्यवहार नहीं करता था, अचानक से हिंसक हो जाता था और पत्नी को बुरी तरह पीटता था। 4 साल तक उसकी हरकतें झेलने के बाद पत्नी ने उसे छोड़ दिया। पुलिस ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिकों को राय लेकर जब विवेचना को आगे बढ़ाया तब सामने आया कि 1.5 साल से उसने नवाबगंज में अपने घर को छोड़ रखा था। शाही के पास दो गांव में उसकी बहनें और तीसरे में एक और रिश्तेदार रहते हैं। वो अधिकतर समय इन्हीं गांव की रिश्तेदारियों में बिताता था। कई वजहों से वो कुंठित होकर भांग, सुल्फा आदि का इस्तेमाल भी करने लगा था। 3 महिलाओं की हत्या के बाद ही पुलिस को लगा कि ये घटनाएं किसी एक ही शख्स का काम है। आईजी ने अधिकारियों को तलब कर पुलिस और एसओजी की 22 टीम गठित की। गांव की खाक छानी, सैकड़ों लोगों के बयान दर्ज किए गए। तब नतीजा तो नहीं निकला लेकिन हत्याएं थम गई थीं। खुलासे के बाद जब पुलिस ने आरोपी को खेतों से लेकर बस्ती तक घुमाया तो कुछ दुकानदारों ने उसे पहचान लिया। एक दुकानदार से उसने उन दिनों कहा था कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है। हालांकि दुकानदार ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आईजी ने बताया कि जिन मामलों का खुलासा हो चुका है उनकी भी समीक्षा की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर, इन वारदातों को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।